अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग एजेंट से वीजा लेकर आ रहे हो, अगर आप हाउस ड्राइवर में चाहे किसी भी काम में आ रहे हो और एजेंट से वीजा लेकर आ रहे हो, तो ये वीडियो गाइस आप लोगों के लिए है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, और जो है सबसे पहले अगर आप एजेंट से वीजा लेकर आ रहे हो तो कुछ चीजें जो होती है आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, और ये चीजें अगर आप लोग नहीं चेक करोगे तो आप लोगों के साथ भी इस भाई के जैसे हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। ठीक है कि ये भाई आए थे कुवैत में हाउस ड्राइविंग करने, और इनको जो है मजरे में भेज दिया गया है। ठीक है, ये बंदा मेरे गांव का ही है, मुझसे ही वीजा के लिए बहुत दिन से बोल रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास वीजा था ही नहीं, मतलब मैं बहुत पता कर रहा था, नहीं मिल रहा था। तो ये किसी ने एजेंट से पकड़ के और मतलब वीजा लेकर आया, और मुझसे बातचीत भी नहीं हुई थी, कम से कम 2 महीने से बातचीत नहीं हुई थी, और ये 2 महीना पहले इधर आया। पहले मेरे से जब वीजे की बात कर रहा था उसी टाइम पे बस बात हुई थी, उसके बाद से मेरी बातचीत इससे नहीं हुई थी। तो गाइस, क्या है डिटेल्स और क्या क्या चीजें आप लोगों को चेक कर लेनी है अगर आप एजेंट से वीजा लेकर आ रहे हो, वरना आपका भी हाल यही हो सकता है। तो गाइस, वीडियो में आखिरी तक बने रहे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, बताते हूं मैं आप लोगों को कि क्या क्या हुआ था इसके साथ। और आप लोग अगर एजेंट से वीजा ले रहे हो तो पहली बात तो एजेंट से वीजा लो ही मत, ठीक है, क्योंकि एजेंट मान लो 100 में से 2-3% होते हैं, कह लो दो, क्या मैं तो कह रहा हूं कि 2% ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं, और जो आपको जैसा बताएंगे वैसे ही सब कुछ आपके साथ मिलेगा, यानी आप आओगे किसी भी कंट्री में गल्फ में जा रहे हो तो। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि एजेंट्स के जरिए आप आए हो और आप यहां पे आके फंसे हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ऑफिस से कांटेक्ट करो। थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस से डायरेक्टली कांटेक्ट करो, और अच्छे ऑफिस बहुत सारे इंडिया में ऑफिस है, सर्च करो, आप लोग देखो गूगल पे बहुत सारी डिटेल्स है ऑफिस की, मुंबई दिल्ली, देखो छोटे छोटी जगह से अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो दिक्कत है, बड़े बड़े शहरों में जाए जैसे मुंबई दिल्ली में बहुत सारी ऑफिस है, वहां पे भी थोड़ा सा फ्रॉड वाली भी ऑफिस है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से रिसर्च करके जाओगे, अच्छे से पता करके जाओगे तो आपको अच्छी ऑफिस भी मिलेगी। पता करो जो सबसे बड़ी बड़ी ऑफिस है, इन ऑफिसों से कांटेक्ट करके आप वीजा लो। एजेंट के चक्कर में अगर फंसोगे तो आपकी जो है हालत यही होने वाली है यहाँ पे आके। मैं सब एजेंट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, कुछ एजेंटों ने जो है कि पूरा वाट लगा के रखा है, कुछ परसेंट जो है वो ठीक है। तो क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप एजेंट से वीजा लेकर आ रहे हो तो आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। अगर आप लोग एजेंट से वीजा ले रहे हो तो उस एजेंट से जरूर बोलना कि जब हमारा वीजा इशू हो जाए, ठीक है, जैसे पहले कुवैत में वीजा अप्लाई होता है, ऑनलाइन होता है, जब ऑनलाइन होने के बाद जब वो वीजा इशू करने के लिए जाता है, जब वीजा इशू हो जाए तो आप उससे बोलना कि मेरे वीजे का फोटो आप मुझे सेंड कर लो। ठीक है, अपने वीजे का फोटो उस एजेंट से जरूर मंगवा लेना, उसके बाद ही जो भी काम रहेगा आप आगे बढ़वाना। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हो तो फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप सीधे अंधा भरोसा कर लेते हो एजेंट के ऊपर, पैसा चलो ठीक है यार, पैसा दे दिए नहीं दिए वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो 2 साल की परेशानी है ना, वो आपका एजेंट नहीं झेलेगा, आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस बंदे के साथ हुआ है, मैं बाद में बताता हूँ कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है एग्जिट में। मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वीजा का फोटो मंगवा लेना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीजा का फोटो मंगवा लेना आप लोग, ताकि वीजा के ऊपर जो है नंबर रहता है आपके कफील का, जिसके पास आप काम करने आ रहे हो उसका मोबाइल नंबर रहेगा, तो आप क्या करोगे उस नंबर को डायल करके आप बात कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ, अगर आपको अरबी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो कोई आपके आस पड़ोस में आजकल जो है कि हर गाँव में कोई ना कोई सऊदी रहने वाला मिल ही जाता है। ठीक है, हर घर से 2 लोग सऊदी रहते हैं हर जगह के, ठीक है ना, कुछ ऐसी जगह होगी जहां के नहीं होंगे, नहीं तो हर जगह के एक घर में से दो लोग एक घर से 1 लोग सऊदी में रहते हैं। तो कोई भी ऐसा अगर आपको अरबी बोलने वाला बंदा आपके गांव मोहल्ले में मिल जाएगा तो उससे बात करवा देना। अगर कोई अरबी बोलने वाला नहीं है तो कोई इंग्लिश बोलने वाला रहेगा तो उससे बात करवा के जो है उस नंबर पे कंफर्म कर लेना कि भाई मैं आपके वीजे पे आ रहा हूं, मेरा नाम ये है। ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स उसको दे देना, जो भी आपका कफील रहेगा, जो उस नंबर पे आप कॉल करोगे, जो भी आपका कफील है उससे सारी डिटेल्स पूछ लेना कि मुझे आपके पास आना है, मुझे ये वीजा मिला है, तो आपके घर में आने के बाद मुझे कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, क्या क्या काम रहेगा, और मेरा क्या काम है एग्जिट में। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एजेंट से वीजा ले रहा हूँ और बहुत सारा धोखेबाजी होती है, तो ये चीजें आपको जरूर पता कर लेना है गाइस। अगर ये चीज नहीं पता करोगे तो इस भाई के जैसे आपको भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये भाई ने यही गलती की थी, इसने पता नहीं किया था, हालांकि मुझसे वीजे के लिए बोला था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे वीजा उजा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं बताया, फिर उसने मेरे को कॉल भी नहीं किया, और डायरेक्टली पता नहीं कब जो है वीजा लेकर चला आया, और अभी कल जो है उसके घर वाले का मेरे पास फोन आया था, उसकी मम्मी का मेरे पास फोन आया था कि 1 हफ्ता हो गया है फोन नहीं कर रहा है, पता नहीं किधर है, और
और कुछ दिन पहले हम लोग से बात हुई थी तो वो बोला था कि ये कफील बोला है कि ड्राइविंग का काम नहीं करना है, तुमको दूसरा काम करना है, मजरे में जाना है। तो बहुत ज्यादा परेशान था, उसके बाद से अभी उसका फोन भी नहीं आ रहा है। तो उसकी कल माँ का मेरे पास फोन आया था, तो मैं सोचा आप लोगों को ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग ये जानो, ठीक है, बिना चेक किए अपना वीजा मत आना भाई, नहीं तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर नहीं पता है कि वीजा में जो है कफील का नंबर कहां रहता है, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे वीजा शो कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि वहां पे नंबर कहां पे रहता है वीजा पे, ठीक है। ये ज्यादातर जो है खादिम वीजा पे ही होता है, डोमेस्टिक वीजा पे, क्योंकि ये ऑनलाइन वीजा नहीं होता है, ठीक है, ये पेपर वीजा रहता है। जो ऑनलाइन वीजा होता है उसको तो आप लोग अपने घर पे कहीं पे भी इंटरनेट पे आसानी से चेक कर सकते हो कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप जो है उस पे भी नंबर रहता है, आप नंबर पे बात करके आना बहुत जरूरी है। आजकल के डेट में जो है इतना ज्यादा फ्रॉड वाला काम हो रहा है कि नंबर पे बात करके आना बहुत जरूरी है, इससे क्या है आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब उस एजेंट ने उस भाई को बोला था कि ये जो है ड्राइवरी का वीजा है, ठीक है ना, तो वीजा तो खैर ड्राइवरी का ही था, ठीक है, लेकिन जो कफील था उसका, उसने जो है खादिम का वीजा, ड्राइवरी पे वीजा बुला के उसको जो है काम करवाना था मजरे में, ठीक है ना। और ड्राइवरी का इसलिए वीजा निकलवाया था कि मजरे में हो सकता है उसको गाड़ी वोड़ी भी चलाना पड़े, कहीं सामान वामान लेना जाना पड़े, जैसे बकरी वकरी रहती है, उसका जो है बहुत सारा खाने पीने का जो सामान रहता है वो सब लेके आना पड़े, इसलिए उसने ड्राइवर का वीजा निकलवाया था, ठीक है। और जो है ये पूरी बातें बता देते हैं जिसको वीजा देते हैं, जो है ये कफील लोग जो है बता देते हैं, इनकी तरफ से कोई गलती नहीं रहती है, गलती हमारे तरफ से रहती है जो हमें वीजा देते हैं। ओके गाइस, तो ये तो सारी चीजें बता दे, तो लेकिन एजेंट लोग को जो है पैसे कमाने हैं, उससे पैसे से मतलब है। कुछ एजेंट लोग होते हैं जो हकीकत में सही होते हैं, अच्छे होते हैं, बाकी तो सब पैसे के भूखे रहते हैं, उनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो पैसे के चक्कर में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि क्या हकीकत है इस वीजे के पीछे, बस आपको बता देंगे ये वीजा है, इतनी सैलरी है, आप जाओ मजा करोगे। तो गाइस यही चीज जो है इस भाई के साथ हुई है, इसने कुछ नहीं पता किया और सीधा चला आया इधर। इधर आने के बाद जो है उसका कफील जो है 10-15 दिन महीना भर अपने घर पे रखा था मेडिकल सेटकल कराने के लिए, उसके बाद उसको जो है बोला मजरे में काम करना है, तो ये थोड़ा मोड़ा मना होना किया होगा और जो है कि उसके बाद उसको लेके गया मजरे में। अभी उसके पास पता नहीं मोबाइल है नहीं है, नेट खत्म हो गया, क्या है मालूम नहीं, एक हफ्ता से घर फोन नहीं किया है, क्योंकि उसके घर पे मेरी बात हुई थी कल ही, किसी ने मेरा नंबर उनको दिया है तो वो मुझे फोन किया था रात में, तो मैं इसलिए सोचा आप लोगों को ये वीडियो बना दूं। तो गाइस कभी भी एजेंट के जरिए आ रहे हो, अगर एजेंट के जरिए आ रहे हो तो ये सब चीजें चेक कर लेना बहुत जरूरी है, और कहां पे नंबर रहता है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके गाइस, तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी, उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।